हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11, नीट, एम्स, जिपमर में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको डिस्कवर्ड किया था कैथ पॉटर ने। कैथ पॉटर जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार 1953 में क्या किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। तो क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, न्यूक्लियस की आउटर सरफेस पर, यानी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के आसपास जो है, बाहरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, न्यूक्लियर की आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन जो होती हैं, क्या होता है इसमें लिक्विड फिल होता है, लिक्विड जो होता है, फ्लूड जो होता है वो फिल्ड होता है, और इनका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, यानी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। यानी ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल या जो भी सेल्स होती हैं, उन सेलों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है मटेरियल की सप्लाई करना, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये तीन तरह से मिलकर बनते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल, तीनों साथ साथ मिल जाते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन ये होता है कि लिपिड का सिंथेसिस करना, यानी लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम से अटैच रहते हैं कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और नाम होता है ग्रेनुलर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नाम होता है ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ग्रेनुलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, ये राइबोसोम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो राइबोसोम से अटैच रहते हैं। ये वाले क्या होते हैं, राइबोसोम से अटैच नहीं रहते। ये मेन डिफरेंस है, हम कह सकते हैं, अगर डिफरेंस की बात करी जाए, रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है राइबोसोम से अटैच होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है राइबोसोम से अटैच नहीं होता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये कंपोज होते हैं सिस्टर्नी, ट्यूबुल और वेसिकल से, और ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन को बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं सेल के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, यानी जो प्रोडक्शन हुआ है लिपिड का उसको स्टोर करना, स्टेरॉइड को स्टोर करना, और साथ ही साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती, डेस्ट्रोफाइंग द सेल, यानी सेल के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको, इनको क्या करना है, बचाने का काम भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, इस चैप्टर में, सेल चैप्टर में, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करिएगा, लर्न करिएगा, और आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।